नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड यू आर विद मदर वर्ल्ड द वर्ल्ड वेयर इज योर ऑल एक्सेस सॉल्यूशन। तो आपका सीएसआर नेट जीआरएफ का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। एप्टीट्यूड जो कि आपको 15 क्वेश्चन करना होता है, 30 मार्क्स जो मिलते हैं, मेरा पूरा ध्यान अभी समय उसी पे है, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल बुक है पार्ट बी और सी के लिए, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उनका क्वेश्चन बैंक जो है उसका प्रीवियस सोल्यूशन वो आने वाला है। तब तक हम इसी चीज़ को करते हैं। और बहुत अच्छा सवाल मैंने आपके लिए लाया है। द एवरेज ऑफ एज ऑफ अ थ्री बॉयज, आप गर्ल्स भी ले सकते हैं, इस 15 ईयर्स, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ थ्री बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन्स, जो भी आप लेना चाहो, 15 की जगह जो भी नंबर आप लेना चाहो उतने साल बाद, इफ देयर एज इज आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, आपको प्रपोर्शन में दिया हुआ है। मैंने रेशियो में कहा रेशियो प्रपोर्शन दैट आर द सेम। वॉट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय, जो सबसे पहला बच्चा होगा उसका क्या होगा? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेट द एज ऑफ थ्री बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन्स, जो भी रहे, आप उनको प्रपोर्शन का जो रेशियो है वो इस तरीके से एक्स एक्स करके लिख दीजिए। एवरेज करिए, आपको एवरेज बहुत अच्छे से पता है, एवरेज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है और इन सबको प्लस किया हमने तो आ जा रहा है 5:3:7। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7+5+3 8, और 8 और 7 अगर प्लस करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 15 साल बाद, तो यहाँ पर ये आ जाता है 3। अब हमको यंगेस्ट बॉय का पता लगाना है, तो यंगेस्ट कौन है, इसमें से 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स जो आपका आया तो 9 ईयर्स होगा। उसी के साथ साथ ये जो है ये भी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी, द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, 200, 300, 400 इज 45। इट इज वॉट लेटर फाउंड दैट टू ऑब्जर्वेशन 1931 वेर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड 90, कौन 19 और 31 इनकरेक्टली रिकॉर्डेड 91 एंड 13, फाइंड द करेक्ट एवरेज। बहुत ही आसान है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सम कर दीजिए, सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, ये जो आपके 100 ऑब्जर्वेशन है तो 100 मल्टीप्लाई बाई 45, क्योंकि 100 ऑब्जर्वेशन कितने 45, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 4500। न्यू सम जो आपका आता है, तो आपको पता ही होगा कि जो सम का होता है, मैंने आपको बहुत पहले यहाँ पे बताया हुआ था, सम का जो रहता है एन, ओके, यहाँ पे एन, एन प्लस वन टू द होल स्क्वायर, ठीक है। आपने यहाँ पे किया इसको सबसे पहले 19 और 31 जो कि आपके इनकरेक्टली रिकॉर्डेड हैं, प्लस माइनस आपने इनको किया, इन दोनों को पहले इन दोनों को प्लस करिए, फिर उसके बाद इन दोनों को फिर माइनस कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे से आएगा करेक्ट एवरेज आपका जो आ रहा है 44.46। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।